हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ए आई सी ई एस आर एफ पी जी एस। तो इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज कर दी गई है उसे कहां से जाकर के कैसे आपको जो है एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करने होते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो यहाँ पर सर्च करना है आपके ब्राउजर में, यही टाइप करके और सर्च करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देनी होती है, आई ए एस पर लास्ट में जरूर टाइप करें। तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुकी है, आप देख सकते हैं 11 सितंबर को की गई है, आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक है टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स, के यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, सामने आपके फॉर्म है, इस फॉर्म में अपना नाम बता देंगे, ईमेल आईडी आपका क्या है अपना ईमेल आईडी बता देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप बता देंगे, कौन से स्टेट के रहने वाले अपना स्टेट बता देंगे, सिटी बता देंगे, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप अपना कोर्स सेलेक्ट करके, आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन बता करके आपको कैप्चर ट्रांसफर पर क्लिक करनी होती है। तो इससे ये होता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, तो आपको कैप्चर काउंसिल पर क्लिक करनी है। ओके, तो ए आई सी ई एस आर एफ एडमिट कार्ड रिलीज की गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो रिलीज किया है 11 सितंबर को, यहाँ पर क्लिक हेयर टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होती है, गेट हेयर हॉल टिकट, यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, इंट्रोड्यूस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ किया गया तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एडमिट कार्ड ए आई डब्ल्यू ए पी जी क्लियर करना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड ए आई जे आर एफ एस आर एफ पी एच डी क्लियर करना चाहते हैं, आपका चॉइस है आप जिसका भी करना चाहते हैं। तो ये पी एच डी वाले लोग के लिए यहाँ पर पी जी क्लियर, तो यहाँ पर मैं पी जी क्लियर क्लिक करके चेक करता हूँ। कैसे चेक करना होता है, मतलब डाउनलोड कैसे कहाँ पे, पहले तो आपको लॉगिंग करना होगा, तो अप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू करना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ एंड अप्लीकेशन नंबर के थ्रू, तो मैं पासवर्ड के थ्रू करना चाहूँगा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टाइप करूँगा, सिक्योरिटी पिन टाइप करूँगा, एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लूँगा, पासवर्ड जो भी होगा पासवर्ड टाइप कर लूँगा, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर लिखे रहेगी वो सिक्योरिटी पिन एग्जैक्टली लिख दूंगा यहाँ पर, S3PAC कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। ओके, अल्फ़ाबेट में ये S3 फिर कैपिटल में PAC है ना, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, आप ऐसे साइनिंग पर क्लिक कर देंगे तो आपका आगे प्रोसेस होएगा, इस वजह से आप आगे अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, अब अगर पासवर्ड भूल चुके तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेना, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी है। ओके, तो आपको जो भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।